क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग हो गया? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। ओके, तो बच्चों, जैसे आप बच्चे मैंने आपको ग्रुप मैसेज किया, अभी बच्चों क्या पता, अभी बच्चे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना? तो बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, ये बच्चों, ये चैप्टर बच्चा ना कि आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ये आपका JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अभी आपने एग्जाम्स का तो हुआ, अभी मैं आपको इसे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आपको भी नोट डाउन करना है, जो कि आपको समझना है। फ्यूचर में इनके जरिए से कुछ क्वेश्चन आता है तो क्या करना बच्चों, आपको वहाँ पे प्रॉपरली समझ के आपको आंसर टिक, तब जाके आपका आंसर बन जाएगा। अगर अब बच्चा कर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मेजरली बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? आप बोलोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दो से बच्चों आता है, इन दो से आपका थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? लेकिन जहां तक मैंने देखा बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन आता है VBT से, क्वेश्चन आता है। बच्चों क्या होगा, आज मैं आपको ना राइटिंग स्किल सिखाऊंगा, है ना, कैसे अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो मुझे एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी देगा और आपको थोड़ा बड़ा बड़ा देखे, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ बाय द हेल्प ऑफ जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले कुछ JEE क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन बच्चा JEE में पूछा गया था इस साल अभी की। मास ऑफ मिथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कम्बशन, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे कोई मिथेन गैस है? आई गेस यहाँ पे ये आंसर ने मुस्कान राइट आंसर देता है ना, मुस्कान आई गेस ये आंसर राइट दिया था। कार्बन ऐसे बच्चों क्या होता है, जब वो बर्न होता है तो क्या बनेगा? आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर फॉर्म होता है, ये आपका फॉर्म होता है। तो करना क्या बच्चों, आपको अभी करना ये है कि आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया तो आप कर लोगे, तो यहाँ पे चार, या तो यहाँ पे दूरी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, क्या बच्चे बोलते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ले ऑक्सीजन में तो क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ दो तो क्या ये बन जाएगा। अब बच्चों सिंपल सी बात है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 मोल है ना? अब देखो 1 मोल में कितना कितना मिथेन बच्चों, कितना मिथेन बनता है, कितना मिथेन है? आप बोलोगे 16 ग्राम। कैसे बचाया, 12 कार्बन का और 4 आ गया हाइड्रोजन, तो 1 मोल में 16 ग्राम है। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात, तो क्या बचोगा? आप बोलोगे 12 इसका और कार्बन ऑक्सीजन कितना बचा, बोलोगे 16 16 32, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चे क्या बच गया, आप बोलोगे 1 मोल में 44 ग्राम बनेगा, है ना? तो जो क्वेश्चन में दिया उसी को देखना है, बाकी से देखना नहीं। अभी आप यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मत देखो, वाटर मत देखो, खाली मिथेन कार्बन बोला गया, ठीक है ना? अब बच्चे क्या बोले, यहाँ पे देखो, अब सिंपल से बताओ, जो आपको दिख रहा होगा 16 ग्राम के लिए आपको 44 ग्राम लग रहा है, इतना आपको लग रहा है, ठीक है ना? तो बोला क्या बच्चों, अगर मुझे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मुझे कितना ग्राम मिथेन लेना पड़ेगा? तो आपने क्या बच्चों, क्या उसका आपने हाफ किया, राइट? तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, कितना आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 8 ग्राम। तो आंसर क्या था बच्चों, तो आंसर 8 ग्राम। तो आई गेस मुस्कान ने और कुछ बच्चे ने यहाँ पे इन्होंने राइट आंसर दिया। गुंजन आपने आगे, गुंजन जी आई गेस जिनका उस दिन एग्जाम, आई गेस आपने एग्जाम छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया। देखो कैसा बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन और ये आपका ऐसा क्वेश्चन बना, तो आपको समझना एग्जाम कैसे क्वेश्चन बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इस टाइप क्वेश्चन बच्चों कभी छोड़ना नहीं। देखो अब एक बच्चे में अपने स्क्रीनशॉट ऑर्डर है ना, देखो इस बच्चे आंसर क्या, ठीक है बच्चों, इस बच्चे ने आंसर यहाँ पे लिखा 2, इद्दुल्टोन है। लेकिन आप खुद सोचिए कैसे ये फील होगा। देखो बोला क्या बच्चों, अगर आपका N4 है और आप स्पिन के बच्चे, स्पिन आपका प्लस हाफ, तो बोला बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना? तो आप ये देखिए, अगर आप N4 कौन सा सबसे होता है, आप बोलोगे 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ऐसे बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। p
बचा मैक्सिमम आपका 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो 3 सबशेल है, डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट इतना जाएगा ना। ओके तो क्या बचो, आप इन सब काउंट करो, आप इन सब काउंट करो, तो कितना बचा समय देखो, 24 24 6 30 तीन दो 32, कितना बचोगे यहाँ पे आपका टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, क्या बचा आपका 4 सबशेल में, ठीक ना। अब बच्चों क्या बोला गया, अब बोलोगे स्पिन हाफ होना चाहिए, क्या होगा आप बोलोगे 16 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे बचोगा, आप बोलोगे माइनस हाफ होगा, और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन से बच के स्पिन कितना होगा, आप बोलोगे प्लस हाफ होगा, तो यहाँ पे आंसर बच के आएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 16 आंसर, सिंपल सी बात, राइट। देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जे में आए, और आपको छोड़ना नहीं है, इससे बोल रहा बच्चा आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन कैसे करोगे आप, बन गया आपका आंसर, समझ रहे हो। बताओ इशिता ऐश्वर्या ऋषिका, आप सब आई गेस आप सब ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा भी होगा, और आपको बताओ क्या आपको हार्ड लग रहा है बच्चों, आपको ये इजी लगना चाहिए, तो ये हार्ड नहीं है और ये इजी कॉन्सेप्ट है, और आपको पता है बच्चों को आपके पास फायदा है, ठीक ना, रिजर्वेशन, ठीक ना, तो आप अपने मार्क्स को और बूस्ट कीजिए, जैसे आप और आगे लेके जाओ मार्क्स, तो करो तो आपका और फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे अभी बोर्ड लाइन में, इसलिए बोलूंगा बच्चों प्लीज क्वेश्चन को समझिए, इतना मुश्किल होता है। देखो अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोला गया, ठीक ना, बोला सम बॉन्ड ऑर्डर बोला गया, ठीक है। देखो अभी नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड क्या था, बॉन्ड आपका 3 आता है, मतलब कि आपस में ट्रिपल बनाते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से तो होते हैं 6, ऑक्सीजन होते हैं 8, कितना हो गया 14, नाइट्रोजन में 7 होते हैं प्लस ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और माइनस माइनस क्यों बचो कितना पड़ता है, यहाँ पे आएगा 14, तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका बॉन्ड 3 आएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड कितना आएगा 3 प्लस कितना गया 6, तो समझ लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो प्लीज समझिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप चीजों को देखो अगेन, आप देखिए हम कितने कम टाइम में आंसर निकाल पा रहे हैं, मान लो कि नहीं माने सर बच्चों, हाँ मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ बिकॉज आप जब एग्जाम रूम में होगे तो आपको स्क्रीन होगा, आप पैनिक मोड में होगे, लेकिन शांत रखना, समझना है क्वेश्चन और आएगा आंसर, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो जो बच्चों जो जिस इस बार जो गलती की उस बार मत करो, अगेन जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन किया, बेस्ट एग्जांपल जिया, जिया ने जितना आता है उतना किया और उनका निकल गया, बेस्ट एग्जांपल जिया है, सच बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ मैं कहीं बच्चे जो बोलूंगा कि आप थोड़ा और क्वेश्चन भी कीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, एक दो क्वेश्चन भी और, प्लीज समझिए इस बात को। ओके अगेन बच्चा आगे बढ़, देखो अब बच्चा ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, यह आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ, जो कहाँ पूछा पूछा गया बच्चों, यह आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा गया, बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, बोला ये बच्चों इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म ब्रिजिंग बिटवीन ब्रिजिंग मेटल बिटवीन द एटम्स, किसमें आपका ब्रिजिंग बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हम इसके बारे में बताइए, क्या बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में था ये क्वेश्चन, आपके इसमें क्या, इसमें आपको कोई भी ब्रिजिंग नहीं है, इसमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं, क्या बच्चों यहाँ पे सारे के सारे टर्मिनल है ना, ये सारे के टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पे यहाँ मेटल कौन सा बच्चों ओस्मियम और आपका रोडियम, तो बच्चों कहाँ पे आता है, यस बच्चों यहाँ पे आता है आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, राइट, तो बच्चे एक नोट डाउन दो, जैसे कि बच्चों जैसे आपका 4D या 5D सीरीज से बच्चों को मेटल होगा, ये बच्चों नोट कर लो, अगर आपका सर ये क्वेश्चन सर ये क्यों मेरे को आ गया पढ़ पाए, क्या बच्चा बोल रहे हो मिस्टर, सर ये क्यों मेरे को आया था पर, अच्छा ये पेपर, ओके ये पेपर में आया था पढ़ पाया, देखो सर देखो अगर आपका 4D इसमें से इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता है, ये ध्यान रखना, अगर आपको आर यू है तो इसमें कोई देखो, जैसे हम कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट कैसे बच्चों ऐसा हुआ, एक कोबाल्ट है कोबाल्ट, राइट 8 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3, तो बच्चों क्या दो क्या होगा, ऐसा होगा एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा होगा एक ऐसा होगा, तो क्या बच्चों देखो ये ब्रिजिंग है,
तो ये क्या बच्चों, ये बच्चों कहाँ से पूछोगे, ये आपका एनसीईआरटी के आपके क्या बोलते हैं डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, तो बच्चों ये आपका एक इजी क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको तो याद है, बताए मैं आपको बता दे सब चीजें, आप याद कीजिए थोड़ा सा। जैसे मुझका बताओ, मुझका पेपर में क्वेश्चन आया तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, ये आंसर आना चाहिए ब्रिजिंग ही बना रहा है, मतलब कि 2 मीटर बीच में ब्रिज बना रहा है, तो उसमें बोलते हैं ब्रिजिंग। ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके हैं टर्मिनल, आपका टर्मिनल। सबको एक बार समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं डॉक्टर बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से समझिए। हाँ अब मुझे बच्चे ये बताइए कि जब आपने एग्जाम बैठे थे बच्चों, आपने कितना टाइम दिया था केमिस्ट्री क्वेश्चन को या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बच्चे ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको इजी लगता है उस पर आपको ज्यादा टाइम देना, बिकॉज आपको क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आराम से समझना है, गलती मत करना बच्चों को भी इस वक्त, समझे बच्चों, डन यस सर। ओके। अब बच्चे देखो, अभी आप अभी यहाँ पे आएगा एक नया नया चीज, जैसे ये क्वेश्चन है डेल्टा जी के, क्या बच्चों ये आपका थर्मोविद, ऐसे क्वेश्चन गलती मत करो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को गलती ना कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो डेल्टा जी इज जीरो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ ये सही है ना, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बोला गया है, सर ये भी मेरे को आया था एक, हाँ तो आई गेस आपने क्वेश्चन राइट किया था क्या बच्चा, कि गलत किया था मुस्कान, बताया मुझे, ठीक है दिखना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पर, अगर हम स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन की बच्चों बात करें, उसमें क्या था, उसमें उसमें क्या पूछा था, उसमें आपको होता है डेल्टा जो होता है नेगेटिव, क्या होता है ये आपका नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के, तो स्पॉन्टेनियस नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए आना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है, तो आपको ऑप्शन, तो बच्चे बच्चे का देखो क्या बच्चों का टिक है, यहाँ पे टिक है हमने फोर्थ ऑप्शन है ना, तो इसलिए बच्चों होता है ये आपका होता है पॉजिटिव होता है नॉन स्पेसिफिक, इसलिए बच्चों बोलता है आपको मैंने बोलता कि थर्ड ऑप्शन वो 3 शब्द आपको याद कर, याद है बच्चों जब पढ़ा रहा था आपको याद करो ये सारे पार्ट, याद है, तो सारे बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज समझिए क्वेश्चंस को, इतना टफ नहीं है, और जहां से मैं हम पढ़े थे और वहीं वहीं से क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आपको चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, चीजें आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, या प्लीज ध्यान रखिए और अपने अपने आप पे फोकस कीजिए, ओके। चलिए अगेन बच्चे दो, जैसे इस टाइप क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने पता है आपको बोलता कि विल्किंस से कटे से आपको याद करेंगे, ये पता ये बोला था, उसमें कौन सा बढ़ता है, आप बोलोगे आर जाते, तो क्या क्या आएगा C1 आएगा, तो C1 कहाँ पर है, C1 आपका ऑप्शन ए में है या तो ऑप्शन फोर में, तो क्या होगा ये दोनों आपके कैंसिल हो गए है ना। बच्चों ब्लड में क्या होता है, बच्चों ब्लड में क्या होता है, आयरन। आयरन होता है ना, हम ब्लड में क्या बात करते हैं, ब्लड में तो भाई आयरन ही होता है कि नहीं होता, तो क्या आएगा, यस तो क्या आएगा Bk2 आना चाहिए, Bk3 आना चाहिए, Bk3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए 1 में है, तो सर। आगे तो आगे आंसर आपको, तो ये हाँ बोलिए बच्चा, बोलिए मुस्कान, बोलिए बच्चा, बोलिए मुस्कान, बोलो आज अब मेरी वाले शिफ्ट लेकर आए हो, अच्छा मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ ये हाँ, मतलब कि पेपर तो पेपर देख रहा था, क्वेश्चन देख रहा था। देखो इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, मुश्किल को भी मैं गारंटी होता क्वेश्चन इजी लगे, लेकिन पता नहीं आई गेस उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के कैसे थोड़ा गलती हो जाता, इट्स फाइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन समझो क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। ये देखो अब बच्चा देखो, ये क्वेश्चन एक आईएमपी क्वेश्चन, देखो जरा ये पीएल पार्ट दिख रहा बच्चा,
ठीक है बच्चों, ये आपका एक आईएमपी रिएक्शन। चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन था, मेरा आंसर 17 आया था। हाँ पता चला, हाँ सही बोला, आंसर 17 आया था लेकिन एंट्री ने 18 दिया था। राइट, सही बोला। तो यस, उसका भी आपका मार्क्स नेगेटिव हो गया। अगर वो क्वेश्चन आपका सही होता, सही हो जाता आपका निकल जाता। हेलो, एक क्वेश्चन, क्योंकि तो क्या होता है ना, आपका 5 अंक बढ़ जाता, समझो, आपका 5 अंक बढ़ जाता, समझो मुस्कान। अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता ना, तो आपका क्यों, क्योंकि उसका आपका नेगेटिव हो गया। तो क्या बात, अगर आप सही हो तो क्या होता, नेगेटिव भी कम हो जाता और आपको 4 मार्क्स मिलते, क्या आपका 5 अंक बढ़ जाता, है ना। आपका एक क्वेश्चन सही होने से ना, जो रॉन्ग हो चुका है उसमें आपका 5 मार्क का डिफरेंस बढ़ जाता है, 5 मार्क्स का। अगर आई गेस मुझसे वो सही होता तो वो आई गेस, हाँ वो सिंपल से बताओ। अब देखो क्या हुआ, अभी मान के चलो ऐश्वर्य है, ठीक ना, ऐश्वर्य का क्या क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया उन्होंने, और उन्होंने उन्होंने सोचा कि ये मेरा राइट आंसर है, ठीक ना, उसको 4 मार्क्स काउंट किए। अब हुआ क्या, एंट्री थोड़ा सा 1 मार्क्स कम कर दिया, तो क्या बच्चा हुआ, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो क्या हुआ, 4 मार्क्स तो गया गया, ऊपर से -1 भी हो गया, तो आपका बोलोगे -5 यहाँ पर हो गया, वही हुआ ना, 4 मार्क्स तो गया, ऊपर से मैं सुनती क्या मैं सही हो गया ना। तो अगर मुझसे वो क्वेश्चन राइट तो आई गेस वो निकल जाते, बस एक क्वेश्चन, हाँ सर एक क्वेश्चन गलती थी बस, और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ लो, के क्या बच्चों, ये से बोलते हैं ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट। बच्चों क्या बोला गया आपको निकालना, इफ के इसका बोला गया तो आपको क्या आपको निकालना ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चा बहुत सिंपल, जो K1 होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, आप बोलोगे EA1 होगा। जो आपका K2 होगा उसका एक्टिवेशन जो क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे एक EA2 होगा। और जो K3 बच्चों क्या होगा उससे क्या होगा, उसका आपका EA3 होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, समझो बच्चों, देखो जो चीज आपका मल्टीप्लीकेशन में है ना, देखो ये क्या बच्चो, ये आप मल्टीप्लाई करो ना, ये क्या बच्चो, ये आपका मल्टीप्लीकेशन जाए कि नहीं जाएगा, है ना, जो आपको मल्टीप्लीकेशन उससे बच्चों ना उसको आपको ऐड करना है, और जो आपका डिविजन उससे बच्चों ना उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तब उसका तब आपका बच्चा इसका आंसर आ जाएगा। इसका 30 है क्या, चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, कि जल्द चेक कर लेते हैं। देखो ये कि देखो K1 क्या बच्चों ऊपर है ना, K1 बच्चों क्या, K1 बच्चों क्या होगा यहाँ पे, देखो 40+, ठीक है ना। A2 कितना बच्चों, यहाँ पे तो क्या A2 इसी केस का कितना 50 दिया, तो यहाँ 50 लिखो, माइनस माइनस पूछो, बिकॉज कहते क्या डिवीजन में, तो क्या आएगा कितना आंसर आएगा, 30। यस 30 आंसर है, हाँ 30 आंसर है, ये राइट आंसर बच्चा, ये राइट आंसर है। हाय साजिया, हेलो साजिया जी, हाँ तो वही बोल रहा हूँ बच्चा। देखो जैसे अभी मैं साजिया की, अभी मैं साजिया की बात करूँ या फिर साना की बात करूँ, तो इन्होंने बच्चा पता क्या, देखो अगर बच्चा बोल देखो, जैसे मुस्लिम की बात करूँ, मुस्कान आपका ये सही है, सही हो गया ना, ठीक क्वेश्चन सही हो गया। तो मेरा मेन कंसर्न पता क्या, देखो आपको पहले पता होना दो। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपका अवंती मॉडल में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ चुका था अवंती में टेस्ट में, याद करो ऐसा क्वेश्चन अवंती टेस्ट में एक बार आपका एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो मेरा मेन कंसर्न पता क्या बच्चों, मेन कंसर्न ये बच्चों, आप सारे बच्चे जितने भी आए यहाँ बच्चे फंसे, जितने फंसे बच्चों, अगर वो क्वेश्चन राइट कर रहे हैं ना, तो राइट पे ज्यादा फोकस कीजिए, आप नेगेटिव पे कम फोकस कीजिए। आई गेस आप भी एग्री करोगे कि बहुत बेसिक बेसिक गलती की आप सब मानते बच्चों, हाँ यार ना, आप सबने बहुत बेसिक बेसिक गलती किया, इसलिए थोड़ा सा चुप गया, नहीं तो आप सोचो आप हो जाता, राइट, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो चीजों को बता समझो प्लीज, ठीक है। इसके बाद है कि लास्ट में माइनस लगा और ये सही हो गया, अच्छा लास्ट में लगा, ठीक सही बोल गया, तो वही बोल रहा हूँ। ओके अब देखो बच्चों, देखो अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बच्चों, ये क्वेश्चन ने इन्हें किया था क्वेश्चन यहाँ पर, बताओ जरा, टी हाफ का T90% किया था कि नहीं, किया क्लास में बताओ जरा, किया था ना, क्या नहीं किया था बच्चों,
तो अगर आपको याद है बच्चों तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बोला भी था बच्चा, मैंने तो बच्चा आपको बोला भी था कि याद कर लो। जैसे टी 75% क्या होता है, 2 टाइम्स होता है टी हाफ के, याद है कि नहीं याद है? याद करो बच्चों, याद करो। टी 87.5 कितना परसेंट होता है, ये होता है 3 टाइम्स होता है टी हाफ के, है ना? ये सारे क्वेश्चन में किए थे, तो इसलिए बोल बच्चों ऐसे जिसको भी कुछ नहीं पूछो, गलती नहीं करने यार। सर ये मेरी शिफ्ट, हाँ आया होगा, राइट आया होगा। अगेन ये बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपका काफी आईएमपी। देखो जरा क्या बच्चों बोला गया, द स्पिन ओनली मैग्नेट बोला गया, ठीक है ना? अब बच्चों क्या देखो, यहाँ पे मेटल कौन सा है? आप बोलोगे यहाँ पे मेटल है आपका प्लेटिनम। मेटल क्या बच्चा यहाँ पे, यहाँ पे आपका मेटल है प्लेटिनम, आपका मेटल है राइट बच्चों। क्या बच्चों, ये आपका 45 डिग्री का मेटल, क्या बच्चों का चाहे किस टाइप का भी हो तो बच्चों क्या होगा, ये आपका क्या, ये आपका ऑलवेज बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज पेयरिंग करा देगा, ठीक है? ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देगा। आप कैसा बच्चों, आप देखो प्लेटिनम बच्चों कहाँ पे आता है, ये आप देखो ऐसा बोलोगे ना, दो कॉपर तो तांबा, बोलो बच्चों क्या होता है, देखो तांबा चांदी और यहाँ पे होता है सोना, ऐसा होता है ओके, ये होता है। तो जो पैटर्न कहाँ पे आता है, यहाँ पे होता है ना, नी पड़े पीटी, है कि नहीं? हाँ या ना, बोलो बच्चे यस नो? तो बच्चा निकल क्या होता है बच्चों, होता बताओ जरा, निकल बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे निकल होता ऐसा होता है ना, निकल ऐसा होता, ऐसा अट्ठाईस होता है, क्या होता है? 4s2 3d8 होगी ना वो बच्चों, बताओ जरा, है ना? ये होगा। तो बच्चों ये आपका काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान समझिएगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन है। अब बच्चों अब करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इसको आयोनाइज करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे ये नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे आपका बनेगा पॉजिटिव, अंदर क्या बच्चों, अंदर आपका क्लोरीन, तो क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे पीटी मतलब एक्स प्लस नाइट्रोजन, ये आपके टोटल इनकम 0 -1 + अगेन 0, क्यों बच्चों? मिथाइलामाइन, मिथाइल नाइट्रोजन 0, क्या होगा आप बोलोगे यहाँ पे, यहाँ पे आगम बटर आएगा +2 में, यहाँ पे आपका बटर +2 में आएगा, मतलब बच्चों क्या होगा आप बोलोगे ये कैसा बच्चों, ये आपका पैटर्न कैसा, ये आपका पैटर्न 2+ में है बच्चों, क्या आप बच्चों का, आप बोलोगे डी में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बच्चे रहे आपको इसको पेयरिंग करना है, कैसे करोगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा ना, हाँ या ना होगा? अब बच्चा मैंने क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता बच्चों कि अगर आपका मेटल, अगर आपका मेटल क्या बच्चों कैसा बच्चों, अगर आपका 4d3 का है या तो 5d3 बच्चों क्या होगा, क्या ये आप चाहे लेकिन कैसा हो, क्या होगा ये आपके यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग कर बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आप बोलोगे साल्ट करो तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा आपका 0, ये आपका आएगा 0 मिनट में, क्यों बच्चों साल्ट कंपेयर हो गए, पैटर्न बच्चों यहाँ पे पैटर्न +2 पे है, ऐसा आपको समझना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों बच्चों, अगर मेटल, अगर आपका जो मेटल है बच्चों, अगर वो आपका 4d3 का मेटल है या 5d3 का है, मतलब कि देखो निकल पैलेडियम प्लेटिनम है ना, नी पड़े पीटी, तो ये आपका 3d3 है, ये 4d3 है और ये आपका 5d3 है, 4d या 5d3 में चाहे लेकिन कैसा भी है, क्या बच्चों का ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा देगा। तो क्या बच्चों का, अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, तो क्या बनेगा ये आपका, कैसे कुछ बन जाएगा बच्चों सारे पेयर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका 0 मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तो यहाँ पे आपका 0 BM आएगा, इसका आंसर आएगा 0 आएगा। तो बच्चों ये आपका काफी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती किया होगा, तो ये समझना है ओके। तो चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे बच्चों मैंने बताया आपको इस टाइप क्वेश्चन, जो आपको नया नया क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया नया नया एक्टिव एनर्जी वाला, इसको सही कीजिए, फिर आपका ये पैटर्न वाला पार्ट है, ये जो कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिए सही कीजिए, इंपॉर्टेंट इसको नोट कीजिए, ऐसा सेम क्वेश्चन आपका बाद में रिपीट हो सकता है,
वहां बच्चों पूछ लेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ पूछ लेंगे, सपोज ऐसा कुछ पूछ लेंगे, बच्चों पूछ लेंगे कि आर यू Cl6 टू फोर नेगेटिव, है ना, आर यू Cl6 4, इसका मैग्नेट मोमेंट क्या होगा? तो क्या क्या बच्चों निकालना पड़ेगा, लिगेंड वीक है लेकिन के बच्चों ये आपका 46 का मेटल, क्या होगा ये आपके इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करा देगा, तो पैरिंग करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा। समझे बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं। और ये बच्चों कहाँ पे आएगा, ये आपको यहाँ पे आएगा बच्चों, आयरन को बुलाकर उसका दैट इज FeRuOS, तो ये आपका 4D का है और ये आपका 5D का है, तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर मेटल 4D5 है, क्या बच्चों क्या करेगा, बच्चों क्या चाहे लेकिन किसी से क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग ही कराएगा, गारंटी है, तो इसको ध्यान सब देना, समझना है। ओके, इसको ध्यान समझना है। ओके चलिए, 200 का। ओके तो बच्चों ये सब जेडी क्वेश्चन से बच्चों, अगेन ये सब अभी तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे करोगे आप, देखो जिससे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ चला गया क्वेश्चन। ओके बच्चों को एग्जाम क्वेश्चन कैसा है वो आपको बता रहा, ठीक है चलिए। ओके अब देखो एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट आ गया बच्चों, NH3 6, यहाँ पे बच्चों क्या है बच्चों, यहाँ आ जाएगा आपका 3 पॉजिटिव, क्या बच्चों आ गया 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे आपको, बोलेंगे आपको ऐसा बताएंगे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियोरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, क्या ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है या आपका ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, ये आपको पूछा जाएगा। और सेम क्वेश्चन ये बच्चों ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों सबसे पहले क्या बच्चों सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, बच्चों सबसे पहले स्टेप क्या होगा बच्चों का, आप लोगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर लिखना मेटल का एटॉमिक कॉम्पोजिशन। बच्चों कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बोलेगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो बोलो बच्चों क्या होता है कोबाल्ट, 27 है ना, तो 27 होता है। तो बच्चों कैसे याद करोगे, मैं बच्चों कैसे बोलता, यहाँ पर लिखो आर के, लिखो यहाँ पर लिखो 4s और यहाँ पर लिखो 3d लिखो। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर से, तो किस यहाँ पे एस पर 2 आ जाएगा और डी में 7 आ जाएगा, ये आ गया। अब बच्चों अब यहाँ पे लिखो ये आपका पल्सर हो गया, फिर बच्चों लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कोबाल्ट 3+, मतलब क्या बच्चों यहाँ आप इसके बाद यहाँ पे तिलटो चला, तो कैसा होगा, ऐसा होगा दैट इज आर्गन 4s0 3d6, क्या बच्चों का आर्गन 4s0 3d6, ये मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर बच्चे क्या करोगे, फिर बच्चे क्या करना, फिर बच्चा आपको यहाँ पे बनना है ऑर्बिटल्स, तो ये बना आपका 3D ऑर्बिटल, ये बच्चे क्या होगा, ये आपका होगा 4s ऑर्बिटल, ये बच्चे क्या होगा, ये आपका होगा 4p ऑर्बिटल, एक ऐसा बनाना है, कैसा बनाना, ठीक है ना। अब क्या बच्चों डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिल करोगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये फिल हो गया। फिर बच्चों क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखोगे आप एक पॉइंट, लिखोगे यहाँ पे लिखोगे लिगेंड कौन सा बच्चों, लिगेंड आपका है अमोनिया, क्या बच्चों को यहाँ पे लिखोगे जो आपका लिगेंड है वो क्या बच्चों, लिगेंड आपका है अमोनिया, बच्चों क्या होगा, ये बच्चों क्या होगा, ये बच्चों होगा क्वेश्चन को बच्चों, तो बच्चे क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका क्या, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बच्चे क्या करता है, बच्चों क्या करता है जो ये करता है क्या, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराएगा, बच्चों क्या बच्चों का यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हुआ, ठीक है ना।
अब बच्चों क्या होगा, अभी आपको इसको इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा। कैसे बच्चों लिखोगे, अगेन बच्चों ऐसे लिखोगे, ऐसे किया, अगेन बच्चों आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आप 3D ऑर्बिटल बनाओगे, 1 2 3 4, ये 3D आ गया, यहाँ पे आएगा 4s और यहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा एटीएम। अब क्या बचा था, डी में छह इलेक्ट्रॉन था, अब बचा होगा इलेक्ट्रॉन पर बच क्या होगा, आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन बच होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये दो, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जाएगा, मतलब बच्चों क्या सबका पेयरिंग हो जाता है बच्चों, क्या ऐसा बनेगा 1 2 दो बच्चों ऐसा पेयरिंग, ओके ओके 1 2 3 4 5 और 6, क्या बच्चों हुआ, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, क्या बच्चों हुआ, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बच्चों मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे कितने लिगेंड, बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका टोटल 6 लिगेंड है, तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका एक एक अमोनिया आएगा, यहाँ पे अमोनिया आएगा, बच्चों क्या होगा, ये अमोनिया यहाँ पे अपना लोन पे डालेगा, तो ये पहला अमोनिया का लोन पड़ गया, ये दूसरा अमोनिया का लोन पड़ गया, ये तीसरा अमोनिया का लोन पड़ गया, चौथा क्या गया, पांचवा गया और ये आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन में गया, बच्चों क्या बोल रहे हो, अमोनिया, अमोनिया बच्चों अमोनिया पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डाला बच्चों, अमोनिया ने अपना पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डाला, ये इसने डाला 3D में, दूसरा डाला इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन डाला, है ना, अमोनिया ने अपना पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर 3D में डाला, तो बच्चों होगा ये क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बच्चों क्या बनेगा, ये आपका इनर ऑर्बिटल अंदर देखो, अगर आर देखो, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, जो अगर पहले 3D में गए तो क्या बचोगा, ये आपका होगा इनर, ये आपका इनर ऑर्बिटल बनेगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले में कहाँ जा रहा है बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s में जा रहा है, तो बच्चों अगर ये आपका होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पहले 3D के अंदर तो इनर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है पहले आउटर तो क्या बच्चों, वो आपका होगा आउटर, 3D में गया तो इनर, 4s में गया तो आउटर, तो बच्चों का बनेगा ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और हाइब्रिड से बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डी में 2 गया, एस में 1 है और पी में 3, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका D2sp3 बना रहा है, क्या बच्चों बना रहा है, ये आपका D2sp3 बना रहा है। और ध्यान रखना बच्चों मुस्कान के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, और बच्चे होगा आप बोलोगे सर पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 मैग्नेट मोमेंट होगा, और बच्चों कैसा बच्चों, ये कैसा, ये आपका है डाया मैग्नेट, ये आपका डाया मैग्नेटिक होगा, इतना चार लिख दोगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाले, तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम लिखते हैं, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, ये बात बताओ जरा, हाँ ना, सारे सर बच्चों एग्जाम में आपको सर जेड में आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप को मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, तो आपका राइट आंसर बनेगा, ओके इस बात को आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझना है, ओके। डन मेरे प्यारे बच्चों लोग, ठीक है ना, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन जे में पूछा, जे में पूछा गया उसे पूछा जाएगा, दूसरा बच्चों क्वेश्चन कैसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ऐसे, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, देखो ऐसा पूछेंगे दैट इज कोबाल्ट F6 3- एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बच्चा आपको क्या बोलना है, आप बोलोगे लिगेंड वीक है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ बच्चे पेयरिंग हो रहे हैं, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बच्चे पेयर हो रहे हैं आपका 4s ऑर्बिटल पेयरिंग स्टार्ट होगा, 4s में होगा, 4p में होगा और 4d में जाएगा, है ना, 3d आया, 4s आया, 4p आया, फिर बच गया, यहाँ पे आपका एक 4d भी होगा, ये 4d भी होगा, तो बच क्या जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये पहले जाएगा 4s में, तो बच्चों ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है, ठीक ना, इससे बोलो बच्चों
इम्पोर्टेंट है, प्लीज समझ के लिखिए, जिसे सारे बच्चे इसको समझ समझ के लिखिए इसको, ठीक है। समझ समझ लिखिए इसको। ओके बच्चों, समझ समझ लिखिए, अगर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके बता सकते हैं। चलिए अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्लीज समझ समझ लिखना कैसे कैसे पेरिंग हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, और देखो मैं आप सबको सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज छोड़ना मत एग्जाम आए तो। जैसे एक बार ये करो फिर मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन दिखाऊँ, ठीक है ना, और आपको अभी आपको आपको खुद क्वेश्चन करना है खुद से। और बच्चों कल क्या करूंगा, कल मैं आपको बच्चा नेम रिएक्शन कराऊंगा, कल मैं आपको नेम रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, बोल के बोर्ड एग्जाम बोर्ड, ठीक है ना बच्चा, समझे सर बच्चे, ओके। तो कल मैं आपको ये करने आता हूँ, ठीक है। ओके आई होप सबने पार्ट लिख दिया होगा। अब अच्छा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपको देखना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है, जिया इशिता नीति गुंजन पवन सारे बच्चे, हाँ, हेलो एल्केन हेरोइन का वन शॉट हो सकता है। तो देखो अगर बच्चों ज्यादा बोलू, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आधे घंटे में आपका क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, बाकी आधे घंटे में आपका नेम रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब देखो नेम नंबर ऑफ कंपाउंड विथ वन लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम। अब मुझे बताइए क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया है, ये बताइए मुझे क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, है ना। अब देखो अमोनिया, अमोनिया बस कितने लोन पे बच्चों है, आप बोलोगे वन लोन पे रहता है, SF4 है ना, SF4 है, सल्फर की वजह से अच्छी होती है, चार बॉन्ड में तो क्या होगा एक लोन पे रहेगा। वाटर, वाटर पास क्या बच्चों, यहाँ वाटर पास दो लोन पे रहेगा। ओजोन क्या बच्चों होगा, क्या होगा ऐसा होता है, ओजोन होता है, ओजोन ऐसा होता है, ठीक है ना, ओजोन बच्चा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बच्चा कितना होगा इस पर लोन पर आएगा, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव आएगा, है ना, बिकॉज ओजोन ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है, आप बोलोगे छः, एक दो तीन चार पाँच छः, राइट, ऐसा होगा ना। तो दो बॉन्ड तो यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, और क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा, CLF3, CLF3 है ना, क्लोरीन, क्लोरीन की क्या कितना बच्चों, क्लोरीन की वजह से सात होती है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दो इसके पास दो लोन पर है,
बी आर एफ फाइव ब्रोम के साथ, तो क्या हो इसके पास भी एक लोन पर आ गया। कैसे बचो, सात वैलेंसी है, पांच बॉन्ड बनाना है, तो एक लोन पर HCF4 है ना, नोबल गैस है, आउट ऑफ आठ है, चार बॉन्ड बनाया तो कितना, दो लोन पर बचा, तो इसके पास दो लोन पर है, एक इसके से एक है, इसके पास दो है, इसके से एक है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो कितना आपके पास, कितना आंसर बना इसका, राइट। ऐसे क्वेश्चन बच्चा को छोड़ने नहीं है, समझे बच्चों, पूरा आपका स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूला है। और मैंने जब आपको लास्ट में बताया था बच्चों रैपिड डिवीजन में, आपको मैंने ये पूरा आपको बताया हुआ है पूरा, आप नोट डाउन कीजिए, देखो जरा, जब मैंने प्रश्न अपना भेजा था आपको, तो पूरा पार्ट वहां पे लिखा हुआ है। जैसे ये कुछ देखो, वही तो बोल रहे हो, इससे बोल रहे हो, जैसे इससे तो बोल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। मैंने क्या बच्चा बोलता, मैंने क्या बोलता आपको, ऐसा कुछ 100% आने वाले के लिए बोलता नहीं बोलता, मैंने आपको पहली बार बोल चुका है, इवन आज ही बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन अगली बार भी आएगा, वापस बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन अगली बार भी आएगा, अगर अभी इससे प्रैक्टिस नहीं हो तो वापस वही मिस्टेक होगा, तो प्लीज ध्यान समझो, सेम यही क्वेश्चन आएगा अगली बार भी, तो प्लीज समझिए, ठीक है ना, अगली बार सेम क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन लिखो जरा, ये क्वेश्चन, ये क्या बच्चों, ये पूरा आपका नेम रिएक्शन है, ये आपका नेम रिएक्शन है, देखो देखो, ये क्या बताओ सर, क्या बच्चों, सारे फिनॉल है, क्या बच्चों, सारे आपके फिनॉल है, राइट, अगर आप सिनो, अगर आप दो, अगर आप फिनॉल करते हो ऑक्सीडेशन, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये क्या होना, ये आपका 1,4 आपका क्यूरोन बन गया, तो कैसे बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, तो क्या होगा, सी का वन आएगा, याद करो हमने ये पढ़ा हुआ था, याद करो आप जब हम अल्कोहल पढ़ रहे थे, राइट। तो अगर सी का वन आएगा, सी का वन कहाँ है बच्चों, आप बोलोगे सेकंड में है या तो फोर्थ में, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो, अब बच्चा बोला गया डी का टू है, डी का टू है, तो डी को चेक मत करो, डी को चेक मत कीजिए, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का थ्री है, बी का थ्री, तो इसको चेक मत करो, आप ए को या डी को चेक करो, आपका आंसर आ जाए। ए क्या बच्चों, देखो अल्कोहल है, फिनॉल है, क्या बच्चों, ऑर्थो क्या, ऑर्थो पे आपका सी डब्ल्यू ग्रुप लगता है, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है बच्चों जो आपका ऑर्थो पे सी डब्ल्यू ग्रुप लगा, बच्चों लगाया, बताओ जरा कौन सा लगेगा, बताओ जरा, ये सारे रिएक्शंस और रिएजेंट बच्चों ने पढ़े हुए, जी मुझे आपने एकदम सही बोला, ए का फोर आएगा, तो ए का फोर कहाँ है बच्चों, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस आपने सही बोला, आपने सही बोला, तो आप देखिए समझिए। और देखो मैंने आपको बोला था ना रिजल्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना, हाँ मैं मानता हूँ कि 27 को और 27 में क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये आपका 29 30 सॉरी 29 के सेकंड चैप्टर पेपर आएगा, जिस दिन जब जब उसका दी थी, तो क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आपने ये बना हुआ कभी देखा नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी दिखा नहीं, ये तो आपने देखा हुआ है ना, बताइए जरा दिखा कि नहीं दिखा है, बताओ जरा, है ना, अच्छा देखा हुआ, खाली आपको देखो, कल मैं आपको अग्री करने वाला हूँ, हेलो लेकिन वाला पार्ट और इंडक्शन पार्ट, आप देखना ये सारे, मैं अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आप देखो, सारी चीज आप देख देखने वाले, सारी चीज, ये सारी चीज देखने वाले, और 21 चैप्टर पूछा गया बच्चों, ये आपका अल्कोहल फिनॉल और इथर से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बच्चों ये आपका चैप्टर 11 से क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी, पूरा हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन वही कही है, देखो जरा, अब देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच सही देखो, नेगेटिव मार्क कम कीजिए, तो मैं आप सबको यही सब देता हूँ, तो ऐश्वर्या मुस्कान नीति पवन आपको मैं ये बोलूंगा कि आप नेगेटिव मार्किंग जितना से कम कीजिए, जितना अच्छे से देखो, जितना पढ़ो रिविजन करो अच्छे से, ठीक है ना, इसी तरह को बोलूंगा, गुंजन जिया एंड निशिका
आप अपना स्कोर बढ़ाइए, बार बार नए मैसेज पढ़िए और ये पढ़िए, आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दो, वापस बोल रहा हूँ। अगर आपका अभी आपका टारगेट कीजिए बच्चा कि आप अपना टारगेट कीजिए कि आपका परसेंटाइल रैंक 95 प्लस बने, आपको टारगेट। बाकी सर बच्चे बहुत बच्चे बहुत कम बॉर्डर में लिखे हो, इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ आप आराम से स्कूल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो अच्छे से स्कूल कीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद जानते हो, आपने खुद पढ़ा हुआ ये चीज सारी सारी। हम ऐसे कुछ चीजें पढ़ाए जैसे इसे बोल रहा हूँ प्लीज बच्चे अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, अच्छे से कीजिए। ओके आपको जो पढ़ना है मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा। ठीक है ना। अब देखो ये सारे पार्ट, देखो ये तो आपका 2021 क्वेश्चन वाला पार्ट है ना, देखो। और आप इतना भी करो, देखो अगर आप इतना भी करोगे ना तभी आपका आंसर बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। देखो होमवर्क प्रिलियन कब पूछा गया, ये आपका 2023 क्वेश्चन है। क्या निकलना है, स्पिनमैन निकलना है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक आपका वीकली एंड है, सीएफएस निकालना, एम्बेडेड लीगल की निकालना बच्चों। अगेन प्रीवियस ईयर भी करोगे ना, देखो अगेन डिस्कस बुक है तो क्या है ना अमेज़न में जाके लेटेस्ट बुक डाउनलोड करना, उतना भी करो तो आपका गारंटी मार्क्स बन जाएगा, समझ रहे हो, प्लीज इस बात को समझो। ठीक है, प्रीवियस अगेन बच्चों बोलो, आप सबको क्या जरूरत है बच्चों, आप सबको खाली एक ही जरूरत है, क्या बच्चों अगेन मतलब बता रहा, ध्यान देना, आप सबको अभी क्या जरूरत है, रिवीजन, रिवीजन करना है और प्लस पीवाई, बस ये दो ही करो और कुछ मत करो, ये दो करो मार्क्स बनेगा। अगेन बोर्ड एग्जाम पास में अच्छे से बार 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 रिवीजन करो, आपका पक्का बनेगा, सुधार। ठीक है ना, समझे बच्चों, पाठ आया ना सारे बच्चे जी, अगेन यस सर, बच्चे का मैं अगेन बच्चा बोल रहा हूँ प्लीज समझे इस बात को, प्रॉपरली पढ़िए हर चीज को, डरने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, तो चलो बच्चों इसी बात से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिलहाल ऑफ करते हैं, और अपना ख्याल रखिए सारे बच्चे, एंड सायोनारा, कल मिलते हैं शाम को। ओके चलिए, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। कुछ तो बोल दो भाई, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय बाय, चलो बच्चों, बाय बच्चों, बाय।